गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आई विल टीच यू यूज़ ऑफ दिस एंड दिस. ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिस और दिस, दैट और दोस. ठीक है, पहले हम दिस का यूज़ करते हैं वन चीज़ के लिए. ओके, जब कोई चीज़ वन माने एक होती है तो हम वहाँ पे दिस का यूज़ करते हैं. और दीज का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब वो चीज़ मैनी होती है, मतलब ढेर सारी होती है. जैसे देखिए एग्जांपल, ये लीफ क्या है? ये एक है, ये वन है. देखिए और लीव्स अभी यहाँ नहीं है, यहाँ पिक्चर्स में से हमें वन लीफ दिखाई गई है, तो ये हमारा क्या है? दिस. ओके, और यहाँ पे देखिए ट्रीज़ देखिए, वन टू थ्री फोर, फोर ट्रीज़ हैं, तो ये क्या हो गया? ये वन से ज़्यादा मोर है, तो ये हमारा दीज हो गया. ठीक है, ऐसे ही देखिए ये वन एरोप्लेन है, तो ये हमारा दिस एरोप्लेन है. और यहाँ पे देखिए कैप क्या है? वन और टू कैप है, तो ये हमारा दीज हो गया. ओके, क्लियर? मतलब अगर कोई पिक्चर वन है तो वहाँ पे हम लोग दिस लगाएंगे, और अगर वन से एक्स्ट्रा मतलब मोर है, ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग दीज का यूज़ करेंगे. बट वो चीज़ पास होगी तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझिए आपके पास में हैं. अब आते हैं हम लोग दूर की चीज़ों में. देखिए सारे पिक्चर्स में देखिए फिंगर्स का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फिंगर का यूज़ करते हैं. जैसे वो देखो वो काइट है, वो देखो बर्ड है. तो देखिए सारे पिक्चर्स में देखिए फिंगर्स ड्रॉ की गई है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है? हमसे दूर हैं. ठीक है, स्टार, ये देखिए स्टार्स हैं. स्टार्स तो आप सबको पता है कि स्काई में रहता है, वो हमसे बहुत दूर है. ठीक, तो यूज़ ऑफ दैट एंड दोस. तो डैट का हम लोग यूज़ करते हैं वन चीज़ के लिए. देखिए जैसे यहाँ पे वन ब्रूम था, ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू. ठीक है, और यहाँ पे स्टार्स एस लगा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वन से एक्स्ट्रा स्टार है, वन से ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया स्टार्स. इसके पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि वन चीज़ होती है तो सिर्फ उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, और अगर वन से वो ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम लोग एस का यूज़ करते हैं. बट ये सभी चीज़ों में नहीं होता, कुछ ही चीज़ों में होता है, और जिसमें होता है वो मैं आप लोग को बता दूँगी. ओके, तो अब हो गया हमारा ये दैट और दोस का यूज़. मतलब दिस और दीज का यूज़ हम पास की चीज़ के लिए करेंगे, और अगर वहाँ पे फिंगर या एरो बनी है या वो चीज़ हमसे दूर है तो वहाँ पे हम लोग डैट और दोस का यूज़ करेंगे. और अगर वो वन है तो डैट, और अगर मैनी है तो वहाँ पे दोस. ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे लीफ है, लीफ क्या है? वन है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे दिस. ठीक है, अब ये ट्रीज है, तो ट्रीज ढेर सारी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस. नेक्स्ट आते हैं एरोप्लेन. एरोप्लेन आपको पता है वन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस. और कैप, कैप्स देखिए एस लगा हुआ है, और यहाँ पिक्चर भी देखते हैं तो वो वन से एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ लगाएंगे दीज. ओके, नेक्स्ट देखिए पिक्चर में स्कूल है, स्कूल वन ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस. और ये देखिए पिक्चर में फ्लावर है, तो फ्लावर तो वन से मोर मीन्स ज़्यादा है, यहाँ देखिए एस भी लगा है, तो यहाँ हम दीज लिखेंगे. ठीक, अब चलिए फिर पिक्चर देखते हैं. यहाँ पर टब है, वन टब है, तो ये हो गया हमारा दिस. और यहाँ पे सोप है, वन से एक्स्ट्रा है, वन टू है, ये देखिए सोप की स्पेलिंग में एस भी लगा है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिस. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा दैट एंड दोज. क्योंकि ये सब में फिंगर बनी है तो ये चीज़ें हमसे फार मीन्स दूर हैं, अब हमें सिर्फ दैट और दोज का यूज़ करना है. तो ये वन है, ब्रूम क्या है? वन है, तो ये हो गया हमारा दैट, क्योंकि यहाँ फिंगर का यूज़ है तो इसलिए हम सिर्फ डैट लगाएंगे. यहाँ स्टार्स हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दोस. वन है, हैन क्या है? देखिए एस नहीं लगा, और यहाँ पे ओनली वन हैन है, तो यहाँ पे हम डैट. ये देखिए पेंस, एस लगा है, और यहाँ पे मोर पेंस है, वन से एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे दोस. ठीक, वन मैंगो, तो डैट, क्योंकि यहाँ फिंगर का यूज़ हुआ, ये चीज़ हमसे फार है. फिर स्नैक्स, देखिए एस लगा है, यहाँ वन से एक्स्ट्रा स्नैक्स हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे दोस. इसके बाद ये है हमारा हॉर्स, हॉर्स भी वन है, तो यहाँ हम लिख देंगे दैट. और बनाना,
वन है, नहीं बनानास एस है, यहाँ पे हम लगाएंगे दोस। ओके, अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कॉपी वर्क जो होगा वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसको देख के इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद कहाँ दिस और कहाँ दैट लगाना है वो आपको उसको फिल करना है। पिक्चर बनाना ज़रूरी नहीं है।